रात में पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस आई वहाँ पे, पुलिस वालों ने उल्टा ड्राइवर को ही चोर बना दिया। अच्छा, तुम मादरचोद कहीं पीछे कटाका आया, ये है वह सब बकवास करी, उन्होंने नहीं सुनी। फिर हमने 112 पे फोन किया, वो भी आ गए, उन्होंने भी यही कहा। थाने में गए, थाने में रिपोर्ट नहीं ली हमारी। 85,000 के लगभग थी एक LCD का, वो उसका करीबन 6-6.5 लाख रुपए का माल काटा उन्होंने। यहाँ पे कंपनियाँ ड्राइवर को ही टॉर्चर करती हैं और उसका ही रिमांड लिया जाता है। कंपनियाँ भी उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं और उनको ही रिमांड पे दे दिया जाता है, उसमें चोर घोषित कर दिया जाता है ड्राइवर को ही। पुलिस प्रशासन ने जो उल्टा ड्राइवर को ही धमकाता है जिसका माल चोरी होता है, वो चोरों का ही हो सकता है। पुलिस प्रशासन उनके साथ मिली भगत हो सकता है सर, जैसे ही वहाँ से गाड़ी रवाना हुई ना, वो गाड़ी वाली निकली, उसके पीछे पीछे ही पुलिस प्रशासन गया था। जो ये सबका साथ सबका विकास, तो इसमें हमारा एक तबका ड्राइवर समाज का भी आता है, तो सरकार इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा ये माल पकड़ा गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन ड्राइवरों को जिन्होंने इन चोरों को पकड़ा। मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल मीडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कामा के अंतर्गत आने वाले गाँव बिलग में। यहाँ हमारे साथ एक गाड़ी मालिक है जिसका नाम एजाज है। उनकी गाड़ी के साथ एक हादसा होता है और हादसा ये होता है कि उनकी गाड़ी नोएडा से माल लेकर जाती है, LCD जिसमें भरी हुई होती है, और MP में जाकर उसका माल उस गाड़ी से लूटा जाता है और वहीं उसके माल को बाद में पकड़ भी लिया जाता है। क्या है पूरा मामला, इसको विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे इस गाड़ी मालिक से, एजाज भाई से। एजाज भाई, क्या है पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं। भाई मामला ये है कि गाड़ी गई नोएडा से भर के, जी नोएडा से इंदौर के लिए गाड़ी जा रही थी, ये सुसनेर पड़ता है सोएस आगे। अच्छा, जैसे सुसनेर की तरफ गाड़ी निकली वहाँ पर रात में 2 बजे माल काट लिया गाड़ी का। अच्छा, LCD उसमें से 15-16 LCD काट ली उन्होंने। हमने रात में पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस आई वहाँ पे, पुलिस वालों ने उल्टा ड्राइवर को ही चोर बना दिया। अच्छा, तुम मादरचोद कहीं पीछे कटाका आया, ये है वह सब बकवास करी, उन्होंने नहीं सुनी। फिर हमने 112 पे फोन किया, वो भी आ गए, उन्होंने भी यही कहा। थाने में गए, थाने में रिपोर्ट नहीं ली हमारी। अच्छा, बाद में हमने अपने आदमियों से वहाँ जान पहचान के लगा, लोगों के जुगाड़ किसी से संपर्क करके बात की। वो रात एक बंदे ने, होटल वाले ने बोला कि ये गाड़ी जो जा रही है माल लेने जा रही है तुम्हारा, जो रात तुम्हारा चोरी हुआ, इसकी निगरानी रखनी है। फिर हमने उसकी गाड़ी के पीछा करा, हमारा ड्राइवर और वो होटल वाला ने बेचारे ने जिसने हेल्प करी, एक सरदार था उसने बहुत हेल्प करी, ड्राइवर ही था वो भी, उसकी भी गाड़ी थी अपने घर की, उसने हेल्प करी। तो वह वहाँ से 7 बंदे उस गाड़ी में भर के उस गाड़ी के पीछे गए सोएत के लिए। अच्छा, सोएत में वो खाडा के नीचे होटल है, उसमें उसने होटल पर गाड़ी खड़ी कर दी। वहाँ वो 4 बजे तक उन गाड़ी के पास खड़े रहे, उन्होंने माल नहीं डाला, वो हार गए। वहाँ से 4:30 बजे वापसी थाना आ गए। थाना आने के बाद में पुलिस वाले ने धुतकार दिया, नहीं तुम्हारा माल हमारे पास नहीं, यहाँ नहीं, जो पीछे चुरा खाए हो तुम। उसके बाद में वहाँ से गाड़ी आई और जैसे उन्होंने होटल वाला को तो मालूम थी, उन ड्राइवर को भी मालूम थी कि ये इस गाड़ी में माल है, उन्होंने उस गाड़ी की निगरानी रखी। वो आई, वो 7:30 के करीब गाड़ी आई सामने, उन्होंने गाड़ी रोड पर ब्लॉक कर दी, रोड ब्लॉक करने के बाद में माल पकड़ा गया उस गाड़ी के अंदर। उसके बाद में हमने पुलिस बुलाई, पुलिस वालों ने जब उसको चोर को पकड़ा, फिर हमारा माल बरामद हुआ। मैं तो यही कहूँ भाई, MP में सभी ड्राइवर से भाई सावधानी से गाड़ी चलाएं। तो जो LCD थी उसकी लगभग कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत लगभग 60-70 हज़ार से ज़्यादा ही थी, 85,000 के लगभग थी एक LCD का। वो उसका करीबन 6-6.5 लाख रुपये का माल काटा उन्होंने। तो फिर वहाँ जो चोर पकड़े गए थे, तो पुलिस प्रशासन उन पर कानूनी कार्रवाई की है नहीं की है? कानूनी कार्रवाई की है, फिर हमने रिपोर्ट कराई है, वहाँ से पुलिस बुलाई है, उन्होंने 5 LCD उन्होंने से जमा भी की है वहाँ पे थाना से, वो कोर्ट से छूटेंगी। गाड़ी हमने छुड़ा ली उसी दिन थी और बाकी माल हमने गाड़ी में रवाना करके वो। अब वो पार्टी वाला भी ये करा मेरे एक माल का, मैं वो भी भाड़ा वाड़ा की दिक्कत सी कर रहा, थोड़ी सी ऐसी चल रही है अभी फंक्शन, अब नोएडा जाना पड़ेगा, उसकी वो तहकीकात करनी पड़ेगी कितना माल यहाँ से लोड हुआ है। अभी उसमें एक LCD को गुम बता रहे हैं। तब बाकी के जो ड्राइवर वहाँ से गुजरते हैं उनसे आप क्या कहने चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई, थोड़ा सावधानी से गुजरे रात में, सुसनेर से लेके सोएत पार करने से सुसनेर आगर तक उज्जैन तक यही मामला है। कभी भी ये आपके गाड़ी के साथ भाई, इससे पहले के और गाड़ियों के साथ ऐसा हादसा हो चुका है? भाई पहले भी हो चुका वहाँ हादसा, पुलिस प्रशासन ने जो उल्टा ड्राइवर को ही धमकाता है जिसका माल चोरी होता है, वो चोरों का ही हो सकता है। पुलिस प्रशासन उनके साथ मिली भगत हो सकता है सर, जैसे ही वहाँ से गाड़ी रवाना हुई ना, वो गाड़ी वाली निकली, उसके पीछे पीछे ही पुलिस प्रशासन गया था। अच्छा, उनको नॉलेज थी ये गाड़ी में माल आएगा वहाँ से। अच्छा, उनको प्रशासन के साथ में लगा हुआ था लगा हुआ था।
क्योंकि वो 112 वहाँ डोलती रहती है, वो उनसे मिले रहती है। उन्होंने आपकी कोई हेल्प नहीं की? कोई हेल्प, कोई कृपा प्रकार की हेल्प नहीं की उन्होंने उस टाइम हमारी। जी नूर मोहम्मद, आप अध्यक्ष हैं इस ड्राइवर कल्याण के, तो आपकी इस गाड़ियों के साथ इस तरह की हरकत होती है, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे ड्राइवरों के साथ में अक्सर करके ऐसा होता है, एमपी में तो 90-95% ऐसा ही होता हर जगह, तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि इस पे लगाम लगाई जाए। और जो चोरों के हौसले बुलंद किए जा रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन की वजह से किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मिलीभगत होती है, तो सरकार उन पे अंकुश लगाए। और ड्राइवर समाज है, जो हमारा ड्राइवर समाज एक गरीब तबका है, जो एक मजदूरी करता है, तो इसको चैन से जीने दिए जाए, ताकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। अगर ऐसा हो जाता है ड्राइवर, अब मान के चलो ये तो पकड़ा गया है ड्राइवर, बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जहाँ पे कंपनियाँ ड्राइवर को ही टॉर्चर करती हैं और उसको ही रिमांड लिया जाता है, कंपनियाँ भी उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं और उनको ही रिमांड पे दे दिया जाता है, उसमें चोर घोषित कर दिया जाता है ड्राइवर को ही। अच्छा, अगर कोई गेल में माल छूट जाता है तो ड्राइवर को चोर बना, ड्राइवर को ही चोर बना दिया जाता है। अच्छा, हाँ यही तो हुआ। ऐसा काफ़ी बार हो चुका है और बहुत सारी कंपनियाँ हैं ऐसी। अच्छा, जो वहाँ बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो ये सबका साथ सबका विकास, तो इसमें हमारा एक तबका ड्राइवर समाज का भी आता है, तो सरकार इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा ये माल पकड़ा गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन ड्राइवरों को जिन्होंने इन चोरों को पकड़ा और ये माल बरामद हो गया, नहीं तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता, क्योंकि ये तो सिंगल मोटर मालिक है, यहाँ पे शायद नहीं मिल पाता। बाकी अगर ये कंपनी की गाड़ी होती तो ऐसा ही उस ड्राइवर के साथ में होता कि उसको रिमांड पे लिया जाता सबसे पहले। तो दोस्तों, इन्होंने पूरी उसकी डिटेल्स बताई। ये भी आपको बता दें कि एमपी में यह हादसा हुआ और उस हादसे होने के बाद इनका ये भी आरोप है कि वहाँ पुलिस प्रशासन चोरों के साथ एक मिलीभगत रखती है, जिसकी वजह से वहाँ चोरों के हौसले बुलंद है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार से, जो बीजेपी सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये खोखला होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जब सबका साथ सबका विकास है तो वहाँ चोरों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? लगातार वहाँ गाड़ियों की लूटपाट होती है और ये कोई पहला नया हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे गाड़ियों के हादसे हुए हैं। ये मैं नहीं, बल्कि इस तरीके के आरोप है इन गाड़ी ड्राइवरों का। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक पल पल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।